नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे एलटी ग्रेड के बारे में कि इसका रिजल्ट अवेटेड है, उन विषयों के कट ऑफ के बारे में बताइए, और एक बार फिर से री एनालिसिस करके कम से कम जो विषय बच गए हैं उनके कट ऑफ एक बार और बताइए। बहुत से कमेंट आपके इस तरह के आ रहे थे, और आज मैंने शाम को इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप लोगों से वादा किया था, तो इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आइए देख लेते हैं कि जो विषय बचे हुए हैं जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है उनके कितने कट ऑफ जा सकते हैं, और ये मेरा अनुमान है, और आप लोगों को जो लगता है वो लोग आप कमेंट में करिएगा, कमेंट करिएगा, आप लोग बताइएगा कि ये जो कट ऑफ मैंने बताए हैं क्या ये कट ऑफ सही हैं, या इससे ऊपर नीचे भी जा सकता है, वो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। दोस्तों, 8 विषयों के रिजल्ट अभी अवेटेड हैं, और इन्हीं के बारे में, कट ऑफ के बारे में बात की जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले सोशल साइंस की बात करते हैं, और सोशल साइंस में मेल और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों, मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो है वो 88 से 85 तक जाने की संभावना है, और फीमेल कैंडिडेट की जब बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 83 से 81 तक जा सकता है, 83 से 81 इस बीच में कट ऑफ रह सकता है। कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 82 से 80 तक रहेगा, और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 78 से लेकर 75 तक रहेगा। इसी तरह से हम हिंदी की बात करते हैं, सबसे पहले मेल की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 85 से 83 तक संभावना है रहने की, और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 83 से 81 ये कट ऑफ रह सकता है फीमेल कैंडिडेट का। बात करते हैं इंग्लिश की, तो दोस्तों इंग्लिश का जो कट ऑफ रहेगा वो मेल कैंडिडेट का 87 से 85, और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 86 से 84, 86 से 84 रहेगा, ये फीमेल कैंडिडेट कट ऑफ हो जाएगा। तो देखिए, सोशल साइंस का 88 से 85 मेल, कंप्यूटर का मेल 82 से 80, हिंदी का 85 से 83, इंग्लिश का 87 से 85 ये मेल कैंडिडेट कट ऑफ है। सोशल साइंस फीमेल की बात करेंगे तो 83 से 81, और कंप्यूटर की बात करेंगे तो 82 से सॉरी 78 से 75, हिंदी की बात करेंगे तो 83 से 81, और इंग्लिश में फीमेल कैंडिडेट के 86 से 84 कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 4 विषयों के कट ऑफ जिनकी सीटें सबसे ज़्यादा हैं और इनका रिजल्ट अभी भी अवेटेड है। दोस्तों, हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहते हैं, एलटी ग्रेड की सारी कवरेज हम देखते हैं, और आप लोगों के कमेंट भी बहुत आते हैं, और आप लोग वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लोग उसको लाइक करिएगा, और बहुत से लोग कमेंट में ये भी बोलते हैं कि मुझे डिसलाइक करना, तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को, उससे यही होगा कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। और बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, लेकिन ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको वीडियो चाहिए मेरे चैनल के तो आप बेल आइकन दबाइए, अदरवाइज मत दबाइए। आगे बात करते हैं अगले विषयों के बारे में, दोस्तों साइंस की बात करते हैं। साइंस में जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 87 से 85, और फीमेल कैंडिडेट का 86 से 84। मैथ मैथ में जो अच्छा ये कट ऑफ जो बनाए गए हैं इसमें सीटों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि किस सब्जेक्ट में मेल कैंडिडेट की सीटें कितनी हैं, फीमेल कैंडिडेट की सीटें कितनी हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए, और जो रिजल्ट जारी हो गए हैं उनका क्या पैटर्न चल रहा है उसके बेस पर ये कट ऑफ बनाए गए हैं। मैथ में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 79 से लेके 77 तक जा सकता है, और
फीमेल कैंडिडेट कट ऑफ 76 से 73 तक जा सकता है। बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में 88 से 86 तक कट ऑफ जा सकता है और फीमेल कैंडिडेट का 86 से 84 तक कट ऑफ जा सकता है। आर्ट की बात करते हैं, आर्ट सब्जेक्ट में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 82 से 80 तक जा सकता है, 82 है ये, 82 से 80 तक जा सकता है और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 78 से 81 तक जा सकता है। तो दोस्तों ये हैं कट ऑफ जो आर्ट सब्जेक्ट के मेल और फीमेल के कट ऑफ हैं, ये इतना कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल ठीक डिट्टो इतना ही कट ऑफ जाएगा, देखिए कट ऑफ बिल्कुल सही सही बता पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। ये अनुमान के ऊपर होता है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर होता है, एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, कैंडिडेट्स जो अपना रिव्यू देते हैं उसके बेस पे होता है, जो कैंडिडेट्स बताते हैं आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैंने इतना किया, मैंने इतना स्कोर किया, तो उन सबका एक निचोड़ निकाला जाता है। इसका मैंने एक बार सर्वे भी करवाया था इसका, और उसमें आप लोगों ने कमेंट किया था। चैनल पे भी मैं अक्सर इस तरह के सर्वे करवाता रहता हूँ, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होगा कि मेरे चैनल पे सर्वे अधिकतर होते रहते हैं। तो ये उन सब के बेस पे निकाला गया है, प्लस माइनस होना इसमें संभावित है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो रेंज मैंने बताई है ये बिल्कुल सेफ रेंज है, इस पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए आपका। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।